पहले किरण से उनकी आज की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। किरण, आज कहां पर आपके ट्रेड्स होंगे? सोरल स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमारा मिक्स ओपिनियन है। जिस तरह से ऑटो के अंदर हमने एक शार्प रैली देख चुके हैं, वहां से चांसेस है कि हम वहां एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो टाटा मोटर पे हमारा कॉशियस है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कॉल है। जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक बेरिश डार्क क्लाउड पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। मल्टीपल नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हम देख रहे हैं कि लास्ट तीन टॉप जब टाटा मोटर ने बनाए थे तो उसके जो मोमेंटम इंडिकेटर थे वहां पे हमने कोई भी नया टॉप देखा नहीं है। तो एक क्लियर कट बेरिश पैटर्न पैन आउट हो रही है। तो एक कंडीशनल कॉल है टाटा मोटर के ऊपर। 590 के लेवल के आसपास की सेटलमेंट थी तो हम सेल करेंगे 590 के बिलो। जैसे ही 590 का लेवल टूटता है हम शॉर्ट सेल करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 575 और जो स्टॉप लॉस है वो 601 मेंटेन करेंगे। तो टाटा मोटर में चांसेस है कि हम नीचे के लेवल देख सकते हैं। दूसरा जो एक बाय कॉल है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे या तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर भी आप देखो तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें एचयूएल के ऊपर दिख रहा है। एचयूएल में हमने देखा था कि 2700 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। कल हमने वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखा है, 2700 के ऊपर का सेटलमेंट भी है। तो एचयूएल हम लॉन्ग करके जाएंगे 2700 या तो कोई भी डिप आता है 2730 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 2684 एज अ स्टॉप लॉस हम एचयूएल में मेंटेन करेंगे। जम्पशन में किरण की नजर है एचयूएल के शेयर पर। इसमें बाय कॉल है 2730 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 2684 रुपए का। और टाटा मोटर्स को सेल करने की सलाह दी है किरण ने। 575 रुपए के टारगेट्स यहां पर बन रहे हैं और 601 का स्टॉप लॉस। तो ये कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी आकर्षक है। चलिए ले लेते हैं वैशाली, फिर ऐसे में आपके ट्रेड्स आज के क्या हैं? कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रिलायंस इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सारी पॉकेट्स मेटल्स अब तक चल नहीं रहे थे, पीएसयू बैंक्स वापस आ गए, कहां आज आप रिकमेंडेशन देंगी? सो डेफिनेटली एक्चुअली आई अग्री विथ यू। पीएसयू बैंक्स तो हम बहुत ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो शुरुआत करी एसबीआई से, फिर इंडियन बैंक से, फिर अभी आईडीबीआई, बट नाउ वो सब जानते हैं। बट नाउ नई बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हम देख रहे हैं वो एक रैलिस इंडिया। अभी आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन कल बहुत ही लगातार एक अच्छी सी कैंडल बनी है। वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सेप्शनली हाई। सो ये एक स्टॉक हम रेकमेंड कर रहे हैं। कल एक काफी का एक रनअप आया है तो ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। थोड़े डिक्लाइन के लेवल्स की भी राह देख सकते हैं। 185 के स्टॉप लॉस के साथ टू स्टार्ट विथ 220-230 के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो एक ये स्टॉक है मिड कैप में और दूसरा है रेडिको खेतान जो काफी चल चुका है बट वंस अगेन ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी है। वॉल्यूम देखे हैं, कल एक अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट देने के लिए बट वंस इट सस्टेन्स अबाउट 1283 आई थिंक दिस विल बी रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1320। सो थोड़े डिप की राह देखे, 1250 वुड बी एन आइडियल लेवल टू बाय। तो ये एक बुलिश व्यू है मेरा ये स्टॉक में। ट्रेड्स भी बताएं फिर। क्विक वर्ड ऑन दी इंडस्ट्रीज। देखिए हम यू नो प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि पुट बेस जो है ये कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है 18800 से 19000 और अब तो 19300 के लेवल्स पे भी हमें एक अच्छा खासा पुट बेस दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप कॉल भी देखें तो 19300 पे एड हुए हैं विच इज जस्ट परहैप्स रिकन्फर्मिंग जो हम कह रहे थे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करें, प्रॉफिट्स बुक करते चले। दिस इज इन नो वे यू नो रेफरेंस कि यहाँ से मार्केट्स नीचे जा सकते हैं। इट्स जस्ट that you know it's a spring, थोड़ा सा नीचे आएगा तो और ऊपर की छलांग लगाएगा perhaps you know 19750 and 20000 के जो levels हैं इनके लिए। so थोड़ा सा you know profit book करके चले, trailing stop losses लगा के चले, यही एक you know राय रहेगी on the indices। 19450 का resistance zone, 19000 का support zone on the Nifty, 45600 का resistance and 44800 का support zone on the Bank Nifty। अब यहाँ तक stocks की बात है, जिस तरीके का हमारा यू नो हेज व्यू है उस तरह से हेज स्ट्रेटजी भी है। एक स्टॉक जो ऑन द बाय साइड है विच इज जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल पैक में हमें जो दो स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वो है टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप पाते हुए देखा है। 780 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर स्टॉक ने यू नो क्लोजिंग दी है पिछले दो सेशन से। यहां से मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो 805 और 820 के दो टारगेट्स के लिए से बाय कर सकते हैं। 785 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ ऑन द शॉर्ट साइड यूपीएल, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं दैट यू नो देयर इज प्रेशर बिल्डिंग अप। कंसोलिडेट कर रहा है विद अ नेगेटिव बायस बट इट इज यू नो क्लोजिंग बिलो इट्स 20 डे मूविंग एवरेज सजेस्टिंग कि यहां से और थोड़ी सी यू नो नीचे की जो नो डाउनसाइड है ये ओपन हो सकती है। UPL अगर आप शॉर्ट करें तो 672 और 665 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 690 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। UPL को शॉर्ट करना है 672 से 665 के टारगेट के लिए और JSW स्टील क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर अच्छा एक्शन बना हुआ है उसको लॉन्ग करने की सलाह है 805 से 820 के टारगेट के लिए। थोड़ी